आज हमें भाभी ने खिचड़ी खाने बुला रखा है। और भाभी की पनीर बना है। खीर बनाया है भाभी ने। बस अब खाना खाने की तैयारी हो रही है यहाँ पे। भाभी का किचन एम तो मोटेरे के बंदा खाओ ना भाई। मोटेरे के बस मैं बना दी। और ये आई है दीदी। हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आई हूँ भाभी की यहाँ खिचड़ी खाने। देखो ये काम करा रही हूँ उसे। बिना काम के खाना नहीं दे रही है। काम करा रही है। हमें भानु भानु है अभी इंदु पहले एक कौवे का हिस्सा जा रहा है खिचड़ी, और छोटा बच्चा जा रहा है कौवे को खिलाने। छोटा बच्चा। ये बना है पालक की सब्जी, पहाड़ी पालक की सब्जी, खिचड़ी, सलाद। दीक्षा ने मिस कर रहे हैं हम। और सुना तो खिला दी थी हमको सर। अभी है कि दो ढाई बजे गर्मा गर्म पूरी। आपको भी खाना है तो आइए आइए भाभी के यहाँ। तिमला खाई दाखला में कैसा बना खाना? भाभी तो बहुत टेस्टी खाना बनाती है। मेरा अच्छा ये आ गया हमारे खीर। भाभी खीर ना खाना दे। अच्छा शुगर से कदिमा पड़ा ने कदिमा पड़ा। अच्छा की नाम छे का? अच्छा हर्षद जैसी खाना खा रहा अभी स्कूल से आके है। हर्षद कैसा बना खाना? अच्छा बने। आंटी के हाथ का खाना अच्छा लगता? मम्मी अच्छा बनाती है? आंटी अच्छा बनाती है? टेस्टी बनाती भाभी खाना। हाँ खाना अच्छा बनाती भाभी। धान कुटी चल रही है।
कौन से स्कूल में पढ़ता है हर्ष? अल जानू यार उज्जवल घर ने। अच्छा बेटा बाय, फिर मिलते हैं। हाँ कब मिलोगे? अगले साल खिचड़ी में खिचड़ी में भेट नहीं आ रहे हमेशा। अभी हम लोग है नारायण नगर है, नारायण कॉलोनी में। ये है हमारी भाभी का घर। तो दोस्तों अब मैं भाभी के यहाँ से खिचड़ी खा के अपने घर पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे मेरे किचन का काफ़ी काम हो चुका है। मिस्त्री ने स्टोन का वॉल खड़ा कर लिया है। यहाँ पे मेरे लकड़ी के सारे कैबिनेट सीलन की वजह से ख़राब हो चुके थे तो उसकी जगह पे मैं अभी स्टोन का वॉल बनवा रही हूँ। बता तो रहे हैं कि ये पूरे लाइफ टाइम के लिए मजबूत बनेगा। अब देखते हैं आगे कैसा बनता है। तो बने रहें आप हमारे ब्लॉग में। सीलन से पूरा ही किचन खराब हो गया था मेरा। अभी यहाँ पे किचन का काम चल रहा है तो किचन को मैंने शिफ्ट किया है मेरे बेडरूम में। ये है किचन का हाल। सीलन से सारा कवर्ड, सारी लकड़ियाँ खराब हो के अभी पत्थर का बना रहे हैं हम लोग। मॉड्यूलर किचन के लाखों रुपए खा गए। सीलन से सारे। आइए मैं आपको लकड़ी के कैबिनेट का हाल दिखाती हूँ जो मेरे सिंक एरिया में लगा हुआ था। ये पूरा प्लाई वाटरप्रूफ है। फिर भी देखिए सीलन से कैबिनेट का हाल। आप कभी भी अपना मॉड्यूलर किचन बनाएं तो सिंक वाले एरिया में सीमेंट से स्लैब बनवा लीजिए या फिर हमारी तरह इस तरह से स्टोन का वॉल बनवा लीजिएगा। नहीं तो सीलन से सारी लकड़ियाँ ख़राब हो जाती है। जैसे हमारा पूरा कैबिनेट ख़राब हो चुका है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।